नमस्कार, दिजरा में आपका स्वागत है। शहर के प्रमुख हलचल के साथ मैं हूं प्रभा। सूदखोरों से मुक्ति दिलाएगा रतलाम का सिंघम। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले भर में चलाया सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान। विभिन्न क्षेत्रों में सेवा दे रहे भूतपूर्व एनसीसी कैडेट्स को एक मंच पर लाने तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान के साथ राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से एनसीसी एल्यूमिनी एसोसिएशन का हुआ उद्घाटन। और कस्तूरबा नगर साई मंदिर के 10वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में निकाली भव्य शोभा यात्रा, महाआरती के साथ किया प्रसादी वितरण। मध्य प्रदेश के शासन के निर्देश पर रतलाम जिले की पुलिस ने सूदखोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ा अभियान शुरू कर दिया है। जिले के थाना प्रभारी द्वारा ग्रामीण अंचलों में अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को जागरूक भी पुलिस कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। ध्यान दे, कोई भी व्यक्ति सूदखोरी करता है, ब्याज के रुपयों को लेकर परेशान करता है, तो इसकी सूचना तत्काल थाना मानस चौक पर देवे या कंट्रोल रूम रतलाम को अवगत करावे, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। भोले भाले ग्रामीणों को ठगने वाले सूदखोरों की खबर लेना अब रतलाम पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने जिले में सूदखोरी करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए जिले के समस्त थाना प्रभारियों को एक बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा प्रत्येक थाना प्रभारी को अपने अपने क्षेत्र में अनाउंसमेंट के माध्यम से सूदखोरी करने वालों के खिलाफ आमजन को जागरूक करते हुए उनको कार्रवाई के लिए आगे आने को कहा। साथ ही ऐसे लोग जो सूदखोरी करने वालों की जानकारी प्रदान करेंगे उनके नाम भी गोपनीय रखने की बात कही। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने बताया कि सूदखोरी की शिकायत खासकर ग्रामीण अंचलों एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में मिल रही थी। उन्होंने बताया कि लोगों को कुछ साहूकार लोग 10-20% तक में रुपया दे रहे हैं एवं उसके बदले गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिसके खिलाफ प्रदेश मुखिया से निर्देश मिलने के बाद उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में अनाउंसमेंट करने एवं सूदखोरी के शिकार लोगों को आगे आकर कार्रवाई के लिए जागरूक करने को कहा। रतलाम शहर के थानों सहित आदिवासी अंचल के थाना क्षेत्रों में अनाउंसमेंट के माध्यम से थाना प्रभारियों द्वारा आमजन को जागरूक करते हुए सूदखोरों से मुक्ति दिलाने का अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी प्राप्त हुई है, मैं बताना चाहूँगा। इसमें खासतौर से रतलाम सिटी की 2-3 शिकायतें आई हैं, जहाँ पता चला है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ब्याज पे 10-20% तक के ब्याज पर मासिक ब्याज वसूल कर रहे हैं और लोगों से चेक, ब्लैंक चेक रखवा लिया है। इन सभी में प्रकरणों में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि इनके चेक जब्त करें और इन सबके खिलाफ न सिर्फ साहूकारी अधिनियम बल्कि एक्सटॉर्शन जैसी धाराओं में भी प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। इसे बताना चाहूँगा, इसमें हम लोगों ने खासतौर से फोकस अपना चलाना सब डिवीज़न में रखा है, जहाँ पर गरीब तबके के आदिवासी लोग रहते हैं। वहाँ इस तरह की बहुत शिकायतें रहती हैं कि सेठ साहूकार लोग उनकी ज्वेलरी रखवा लेते हैं, उनके पैसे, उनके पावती पट्टे रखवा लेते हैं, उनसे एग्रीमेंट करा लेते हैं। इस पर हम लोग का विशेष फोकस है। उधर भी हम लोग इसमें जन जागरूकता के लिए हम लोगों ने अभियान भी चलाया है, जनसंवाद भी स्थापित किया है और थाना प्रभारी लोग भी पीए सिस्टम के माध्यम से गांव-गांव जाके अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अगर कोई भी इस तरह का व्यक्ति है जो पीड़ित है, इनके चंगुल में फंसा हुआ है, तो बिना झिझक के थाना पर संपर्क करें, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम लोगों ने 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं कि कोई भी अपनी जानकारी गोपनीय रखना चाहता हो तो उस हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी दे सकता है। जितने भी इस तरह के सूदखोर ब्याजखोर लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम सभी इसके लिए कटिबद्ध हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सेवा दे रहे भूतपूर्व एनसीसी कैडेट्स को एक मंच पर लाने तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से एनसीसी एल्यूमिनी एसोसिएशन का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश 21वीं एनसीसी बटालियन द्वारा वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन के अंतर्गत भूतपूर्व एनसीसी कैडेट का मिलन समारोह आयोजन भी किया गया। डीजी एनसीसी नई दिल्ली द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सेवा दे रहे भूतपूर्व एनसीसी कैडेट्स को एक मंच पर लाने तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और कौशल विकास को बढ़ावा देने, पूर्व छात्रों के माध्यम से रोजगार योग्य पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से एनसीसी एल्यूमिनी एसोसिएशन का उद्घाटन किया गया, जिसके प्रथम सदस्यता स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विगत दिनों ली गई। इसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश एनसीसी बटालियन रतलाम कार्यालय द्वारा शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के दौरान कैंप कमांडेंट कर्नल एचपी अहलावत ने पंजीकृत किए भूतपूर्व एनसीसी कैडेट्स के मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इधर भी मैं जैसे रतलाम में जाता हूँ तो बहुत मीटिंग्स के बाद पता चलता है कि जो एडिशनल एसपी से बात होती है तो पता चलता है वो एक्स कैडेट है। तो ऐसे इतने सारे एक्स कैडेट्स यहाँ पे हैं लेकिन हमको पता ही नहीं है। तो इसका एक ये है कि हम आपस में टच में आए और दूसरा एक दूसरे की मदद कर सकें। जो बडिंग अभी नए कैडेट्स हैं उनको जैसे अपने जॉब प्रोफेशन के लिए गाइडेंस चाहिए कुछ चाहिए तो वो ले सकते हैं ताकि उनको पता है कि किस फील्ड में कौन अच्छा कर रहा है। और एक इंटरेक्शन का मौका है तो हमने सबसे पहले इधर शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री एमएल भट्ट दुबे विशेष रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि वह सन 1948 में सेकंड एमपीबी बटालियन एनसीसी जबलपुर में एनसीसी स्थापना के बाद प्रथम बैच के कैडेट रह चुके हैं। उन्होंने अपने एनसीसी अनुभव को साझा किए एवं बताया कि वे वर्तमान में 94 वर्ष के हैं और यह सब एनसीसी प्रशिक्षण के दौरान बनाई गई नियमित दिनचर्या, समय प्रबंधन व अनुशासन के कारण संभव हो सका है। रेजिमेंटेशन मतलब होता है रेजिमेंट में जिस तरह से अनुशासन पालन किया जाता है, एक कमांड पर एवरीबॉडी इज रेडी टू फेस द डेंजर। तो यदि ये हमने नहीं किया तो हमारा एनसीसी में जाना बेकार। कस्तूरबा नगर स्थित साईं मंदिर के 10वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में साईं बाबा की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। कस्तूरबा नगर स्थित श्री साईं मंदिर के 10वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में श्री साईं सेवा समिति द्वारा भव्य पालकी यात्रा का आयोजन किया गया। आयोजन में क्षेत्र रहवासियों के साथ ही बड़ी संख्या में साईं भक्त शामिल हुए। यात्रा कस्तूरबा नगर गली नंबर 4 से प्रारंभ होकर मेन रोड होती हुई राम मंदिर पहुंची, वहां से पुनः साईं मंदिर पर समाप्त हुई। यात्रा का मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, साथ ही साईं भजनों पर साईं भक्त थिरकते हुए चल रहे थे। चालीस वर्षों से जाना पहचाना नाम रामदयाल ब्रदर्स, जहां आप पाएंगे गैस गीजर ब्रांडेड कंपनियों की विशाल श्रृंखला, आटा चक्की, माइक्रोवेव ओवन एवं इंडक्शन चूल्हे आकर्षक छूट के साथ, तथा प्रसिद्ध कंपनियों के एयर कंडीशन जैसे लॉयड, वोल्टाज, पैनासोनिक एवं डाइकिन खरीदी पर भारी छूट। मैरिज सीजन व समर वेकेशन में ब्रांडेड सूटकेस, डफल बैग, ट्रॉली एवं स्कूल बैग पर 65% तक का कंपनी ऑफर और रामदयाल ब्रदर्स द्वारा 2-15% तक का एक्स्ट्रा ऑफर। पुराने लगेज पर एक्सचेंज ऑफर यानी सूटकेस खरीदी पर 3 ऑफर एक साथ पहली बार सिर्फ रामदयाल ब्रदर्स पर। वाटर प्यूरिफायर, आरओ केंट, एक्वागार्ड, हेवल्स, प्योराइट, ल्यू प्योर पर भारी छूट। साथ ही ऑफर मेले में ब्रांडेड गैस स्टोव में प्रेस्टीज सनफ्लेम, चिमनी में प्रेस्टीज सनफ्लेम, ग्लेन फेल्ट, प्रेशर कुकर एवं नॉन स्टिक में हॉकिंस एवं प्रेस्टीज, मिक्सर ग्राइंडर ज्यूसर की भव्य श्रृंखला भारी छूट के साथ, क्रॉकरी डिनर सेट, स्टील यूटेंसिल, मिनरल बॉटल, थर्मस उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारे रामदयाल ब्रदर्स, अंकलेसरिया होंडा के सामने, न्यू रोड, रतलाम। माँ विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी में अपने घर का सपना करे साकार, जमा करें मकान की कीमत का 50% और बाकी पेमेंट आसान किश्तों में, वो भी बिना ब्याज और बिना बैंक फाइनेंस के। मकान सभी साइज में उपलब्ध है,
10x40, 10x50, 15x40, 20x40, 30x50 और बंगले भी। इसी के साथ प्लॉट भी उपलब्ध है। साइट विजिट के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9179970906, 8894689899, 8871618737, 8318644057, 7000456734। ऑफिस माँ विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी त्रिवेणी कनेरी रोड न्यू झाबुआ टू लेन पुलिस लाइन के आगे रतलाम। पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश भोपाल के आह्वान पर समस्त तहसीलों में पेंशनरों की लंबित मांगों का निराकरण करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश भोपाल के आह्वान पर समस्त तहसीलों में पेंशनरों की लंबित मांगों का निराकरण मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा नहीं किए जाने से ध्यानाकर्षण हेतु पेंशनरों ने तहसीलों में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। रतलाम में पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा ओल्ड कलेक्टोरेट परिसर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन व रैली निकालकर लंबित मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कृतिका भीमावत रतलाम के माध्यम से दिया गया। इसके पूर्व राज्य पेंशनरों ने मध्य प्रदेश राज्य शासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शित किया। धरना प्रदर्शन को उप प्रांताध्यक्ष कीर्ति कुमार शर्मा, प्रांतीय सह सचिव जे एल गेलड़ा, तहसील अध्यक्ष हरीश बिंदल ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स की मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो आगामी आंदोलन जिलों व भोपाल में और तीव्र किया जाएगा। महंगाई और कोविड-19 के कारण पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है, विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को ज्वलंत न्यायोचित मांगों का निराकरण शीघ्र करना चाहिए। ज्ञापन के अवसर पर बड़ी संख्या में पेंशनर्स धरने में उपस्थित रहे। अधिकार मांगते सैलाना के शिकार वाड़ी क्षेत्र में बबूल के पेड़ पर एक युवक की लाश लटकी देखी गई। हत्या की आशंका के चलते परिजनों ने हंगामा किया और कुछ लोगों पर संदेह भी व्यक्त किया। थाना प्रभारी ने परिजनों को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन देकर हंगामा शांत करवाया। सैलाना के शिकारवाड़ी क्षेत्र में एक युवक की लाश बबूल के पेड़ पर लटकी मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आसपास के किसानों ने फंदे पर लटका शव देखा और पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान भीलो की खेड़ी निवासी कान्हा डामोर के रूप में हुई। मामला संदिग्ध होने पर पुलिस और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। पुलिस को घटनास्थल के पास से एक मोटरसाइकिल मिली है। वहीं घटनास्थल पर शराब की खाली बोतलें और खाने पीने की सामग्री भी पड़ी हुई है, जिसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सैलाना सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह खेतों पर सिंचाई करने गए कुछ किसानों ने सैलाना के शिकारवाड़ी क्षेत्र में बबूल के पेड़ पर एक युवक की लाश लटकी देखी। सैलाना थाना पुलिस को मौके पर शराब की 3 खाली बोतल और खाने की सामग्री पड़ी मिली। कुछ दूरी पर एक मोटरसाइकिल भी पुलिस को मिली, जो संभवतः मृतक या उसके साथ रहे व्यक्ति की हो सकती है। मृतक युवक को सोमवार शाम 5 बजे के करीब धामनोद क्षेत्र में देखा गया था। वहीं मृतक द्वारा अपने सोशल मीडिया पर मैसेज पोस्ट किए जाने की भी जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा बताई गई है। मामला संदेहास्पद होने पर घटनास्थल की बारीकी से जांच कर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए हैं। इस मामले में युवक द्वारा आत्महत्या या उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हत्या की आशंका की वजह से परिजनों ने हंगामा किया और कुछ लोगों पर संदेह भी व्यक्त किया। थाना प्रभारी ने परिजनों को निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा देकर हंगामा शांत करवाया। आज थाने पर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने शिकारवाड़ी भीलो की गेड़ी सैलाना में फांसी लगा ली है। जहां मौके पर पहुंचकर देखा तो काना पिता सुखराम डामोर उम्र करीब 25 साल निवासी भीलो की गेड़ी फांसी के बंदे में लटका मिला। जहां पर सब पंचायतनामा कार्रवाई तथा जो वैधानिक कार्रवाई थी मौके की करने के बाद पीएम तो सब को सैलाना अस्पताल लाए, जहाँ से पीएम के बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हाँ, परिजनों के कुछ आरोप है उनके उन बिंदुओं पर भी पूरी उन सब बिंदुओं की भी तस्दीक करके उसी जो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रतलाम जिले की राउटी तहसील के ग्राम कुमारपाड़ा में बीती रात शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग में एक बच्चे सहित युवक झुलस गया था। आग में झुलसे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। रतलाम जिला राउटी थाना अंतर्गत ग्राम कुंवरपाड़ा में पिछले दिनों शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग के कारण हुए अग्निकांड में झुलसे युवक की देर शाम इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी अनुसार सुरेश पिता
दूदा उम्र 32 वर्ष अपने घर में सो रहा था। वहीं उसकी पत्नी पासी के घर में शादी वाली जगह पर गई हुई थी कि बिजली के पोल से अस्थायी कनेक्शन के रूप में एक तार को लकड़ी पर बांध कर घर में कनेक्शन लाया गया था। लकड़ी की तार पर हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से लकड़ी ने आग पकड़ ली एवं लकड़ी की आग से घर में भी आग लग गई। आग लगने से घर के सामान सहित घर के बाड़े में बंधे पशु भी जल गए। युवक शायद नशे में होने की वजह से काफी देर तक उसको आग लगने की समझ नहीं आई और घर में लगी आग की वजह से वह और उसका बच्चा झुलस गया। पड़ोसियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और झुलसे सुरेश एवं उसके बच्चे को बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसकी मंगलवार देर शाम इलाज के दौरान मौत हो गई। इसका ऐसा है कि ये सोए अपने मकान में सोया हुआ था, मकान कच्चा है कवेलू वाला, और एक छोटी बच्ची थी, उस बच्ची के साथ सोया हुआ था और पत्नी पास में शादी हो रही थी, पत्नी शादी में गई हुई थी। अब जो इसकी जो वायरिंग है वो सीधी पोल से आ रही है, मतलब विद्युत मंडल के नहीं, इसने अपने वो लगा रही सोई की वायरिंग, वो लकड़ी से मतलब जमी हुई थी, लकड़ी से लपेटा हुआ था, तो उसमें तार सर्किट हुआ, तार सर्किट हुआ तो वो धीरे 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 पूरे मकान में आग पकड़ ली, आग पकड़ ली। लेकिन ये बंदा पता नहीं क्या कुछ नशे में था या क्या था, इसकी नींद नहीं खुली और धुआं काफ़ी हो, मतलब धुएं की वजह से बहुत समय घबराहट हुई, तब इसका नींद खुली तो इसको सोए को भी पता नहीं चला कि यार दरवाज़ा की जा रही है, अंदर अंदर ही भटक जा रहा। इतने फिर पास में शादी हुई थी जहाँ पे मतलब 100 मीटर की दूरी होती थी, वहाँ से लोग दौड़े, फिर इसकी पत्नी आई, फिर इसको मतलब इसको फिर निकाला, और निकाला तब तक मतलब अंदर भैंसें भी थी, भैंस पाड़ी बैल गाय वगैरह तो वो भी मतलब जले हैं, कुछ मुर्गे थे 4-5 वो भी जल के मर गए। घायल का क्या हाल है? जो घायल था उसकी तो कल मृत्यु हो चुकी है। तो पीएमजी पुनः नजर आते हैं आज की प्रमुख हलचल पर। सूदखोरों से मुक्ति दिलाएगा रतलाम का सिंघम। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले भर में चलाया सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान। विभिन्न क्षेत्रों में सेवा दे रहे भूतपूर्व एनसीसी कैडेट्स को एक मंच पर लाने तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान के साथ राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से एनसीसी एल्यूमिनी एसोसिएशन का हुआ उद्घाटन। और कस्तूरबा नगर साईं मंदिर के 10वें स्थापना दिवस के उपलक्ष में निकाली भव्य शोभा यात्रा, महाआरती के साथ किया प्रसादी वितरण। ये थी अब तक की हलचल, कल फिर हासिल होंगे कुछ नई हलचल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।